दोस्तों, आप हमेशा तकनीक पर ध्यान देते हैं, जैसे कि 369 या वाटर मैनिफेस्टेशन, और भी बहुत सी हैं। लेकिन कभी आपने सोचा है कि अगर आप किसी भी भाषा या स्किल्स को सीखना चाहते हैं तो आपको सबसे पहले बेसिक सीखना होगा, तभी आप पूरी भाषा को या किसी भी स्किल्स को सीख सकते हैं। अगर आप वास्तव में कुछ पाना चाहते हैं तो आपको मन की इस स्टेज को समझना होगा जहां आप क्रिएटर बन सकते हैं, जहां आप अपने जीवन का निर्माण कर सकते हैं। संसार का कोई भी रिचुअल्स जब तक आपकी किसी भी इच्छा को पूरा नहीं कर सकता जब तक आप अपने मन को उस स्थिति या स्टेज में नहीं ले जाते हैं। अगर आप अपनी इच्छा पूरा करने के विज्ञान यानी कि आकर्षण के नियम की तकनीक से अपनी इच्छाओं को पूरा करना चाहते हैं तो पहले आपको इस विज्ञान के बेस और आधार को समझना होगा, तभी आपके लिए सभी तकनीक काम करेंगी। और मैं आज इस वीडियो में आपको एक कहानी के माध्यम से उस मन की स्थिति या स्टेज के बारे में बताने जा रहा हूँ जो वास्तव में आपकी मंजिल आपको दिला सकती है और आपके किसी भी विश को पूरा कर सकती है। एक बार सीजे नाम का एक युवा भिक्षु था जो हिमालय की तलहटी में एक छोटे से मठ में रहता था। सीजे इन बुद्ध की शिक्षाओं को समझने और उच्च ज्ञान प्राप्त करना चाहता था, लेकिन उसके दिमाग में हर समय कुछ न कुछ ऐसे विचार चलते थे जिनसे वह बहुत अधिक परेशान रहने लगा था। वह ध्यान केंद्रित करके कोई भी कार्य नहीं कर पाता था और ना ही उसका मन शिक्षा में लगता था। इसी के चलते उसका मन हर समय अनेक तरह की गहरी चिंताओं और अजीब सी बेचैनी से घिरा हुआ रहने लगा था। सी जेन ने अपने दिमाग को एक अस्त व्यस्त कमरे की तरह बना लिया था जिसमें किसी भी तरह के नए विचारों के लिए कोई जगह नहीं थी और इसी वजह से वह कुछ भी नया नहीं सीख पा रहा था। एक दिन उस मठ के एक बड़ी उम्र वाले मॉन्क ने सीजेन से कहा कि तुम आज मठ में होने वाली सभा में आने वालों की एक सूची बनाकर मुझे दोगे। सीजेन ने बड़ी विनम्रता से उस कार्य को करने के लिए हाँ कर दी और शाम को सभा समाप्त होने के बाद बूढ़े मॉन्क ने सीजेन से वो सूची लाने के लिए कहा जो उन्होंने बनाने के लिए बोला था। लेकिन सीजेन आंखें नीची करके शांत खड़ा रहा। बूढ़े मॉन्क समझ चुके थे कि उसकी मन की स्थिति ठीक नहीं है। बूढ़े मॉन्क ने बिना नाराज हुए सीजेन से कहा, कोई बात नहीं, अगली बार बना देना। सीजेन के चेहरे पर शर्मिंदगी के भाव साफ साफ दिखाई दे रहे थे। बूढ़े मॉन्क ने अपने मन में तय कर लिया था कि सीजेन को इस स्थिति से बाहर निकालना होगा, तभी वह अपने लक्ष्य को प्राप्त कर पाएगा। बूढ़े मॉन्क ने बात को बदलते हुए बोला कि तुम्हें कल मेरा एक काम करना है। बूढ़े मॉन्क ने इशारा करते हुए बोला कि सीजेन, तुम्हें इस पत्थर को कल सामने वाले पहाड़ पर मेरी बनी कुटिया तक पहुँचाना है और इस कार्य को जरूर कर देना। सीजेन सर हिलाते हुए कार्य के लिए सहमत हो गया और सुबह अपनी यात्रा शुरू कर दी। जैसे जैसे वह पहाड़ पर चढ़ रहा था सीजेन का दिमाग भी तरह तरह के विचारों से भरता जा रहा था, जैसे कि मेरे हाथ में कुछ नहीं है, ईश्वर मेरा साथ नहीं दे रहे हैं, मैं अपना लक्ष्य कैसे प्राप्त करूंगा, पता नहीं कल मेरे साथ क्या होगा, मैं एक उच्च कोटि का भिक्षु बन भी पाऊंगा या नहीं। इसी तरह के विचारों से सीजेन का दिमाग पूरी तरह से भर चुका था और वह उस पत्थर को उठाकर बस चलता जा रहा था। वह किसी तरह पहाड़ की चोटी पर पहुंच गया और उसने उस पत्थर को जमीन पर रख दिया और चारों ओर देखने लगा। तभी सीजेन को वहाँ वह बूढ़ा भिक्षु दिखाई दिया। बूढ़े भिक्षु ने सीजेन से पूछा कि तुम्हें क्या दिखाई दे रहा है। सीजेन ने कहा, मुझे एक भारी पत्थर दिखाई दे रहा है जिसे आपने मंगवाया है। बूढ़े भिक्षु ने और जोर देकर पूछा कि तुम और क्या देखते हो। सीजेन ने चारों ओर देखना शुरू किया और पहली बार उसने पहाड़ की आश्चर्यजनक सुंदरता और ऊपर आकाश की विशालता पर ध्यान दिया। उसने पक्षियों को स्वतंत्र रूप से उड़ते हुए और हवा को पेड़ों से सरसराते हुए देखा जो उसके पास हमेशा से थे, लेकिन उसने कभी ध्यान नहीं दिया था। उसी क्षण बूढ़ा भिक्षु मुस्कुराकर बोला कि मैंने तुम्हें एक पत्थर उठाकर लाने के लिए कहा था और तुम दो पत्थर उठाकर लाए हो। सीजेन आश्चर्यचकित था क्योंकि वह सिर्फ एक ही पत्थर लेकर आया था। सीजेन बूढ़े भिक्षु से बोला, नहीं गुरुजी, मैं एक पत्थर लेकर आया हूँ। तब बूढ़े भिक्षु बोले कि हाँ, तुम हाथों में एक ही पत्थर लाए हो, लेकिन जो पत्थर तुम्हारे मन के अंदर है उसे भी तुम अपने सर पर रखकर लाए हो और उस बेकार पत्थर के कारण तुम अपने वास्तविक ज्ञान को प्राप्त नहीं कर पा रहे हो। अब तुम्हें इस पत्थर को अपने सर से हटाना होगा, तभी तुम सही ज्ञान प्राप्त कर पाओगे। सीजेन सब कुछ समझ चुका था। वह आज तक अपने बीते हुए कल और आने वाले कल के बारे में सोचकर व्यर्थ की चिंताओं में डूबकर अपने लक्ष्य को भूल गया था। इसी कारण वह अपनी शिक्षा पर और किसी भी कार्य पर ध्यान नहीं लगा पा रहा था। बूढ़े भिक्षु ने सीजेन से कहा, तुम्हें अपने दिमाग को खाली करना सीखना चाहिए और वर्तमान समय में मौजूद रहना चाहिए, तभी आप अपने नए विचारों को ग्रहण कर पाओगे। सीजेन ने अपने दिल में
वर्तमान में होने का एहसास महसूस किया। अब सी जेन ने उसी क्षण से अपनी चिंताओं और विकर्षणों को डिस्ट्रक्शन को दूर करना सीख लिया और उस सुंदरता पर ध्यान केंद्रित किया जो उसके चारों ओर थी। निश्चित रूप से अब उसका मन स्पष्ट हो गया था। दोस्तों, आप जो प्राप्त करना चाहते हैं उसके लिए सबसे पहले उन सभी विचारों को दूर करना होगा जिसे आप आज तक अपने साथ एक बोझ की तरह लेकर चल रहे हैं। अगर आपका मन स्पष्ट है और विचारों से खाली है तो आपके लिए कुछ भी पाना आसान हो जाएगा, क्योंकि अब सिर्फ आपके मन में आपकी इच्छा पूरे होने की भावना है और यही आकर्षण के नियम का आधार है। यहाँ तक साथ देने के लिए आपका धन्यवाद। थैंक यू गाइस।